खबर है काठीकुंड थाना क्षेत्र के सुदूर ग्राम मसनिया से, जहां आपसी घरेलू विवाद को लेकर शिवधन लोहार ने अपनी पत्नी पानवती देवी को लोहे की रोड से मारकर हत्या कर दी। मामला कुछ इस प्रकार है कि बुधवार को शिवधन लोहार जो मजदूरी कर दोपहर के लगभग 12 बजे घर वापस आया, पत्नी पार्वती देवी से कुछ घरेलू विवाद हो गया। काफी देर तक दोनों में वाद विवाद चलता रहता है और अंततः विवाद इतना गहरा हो जाता है कि शिवधन लोहार खटिया में लेटी अपनी पत्नी पानवती देवी को लोहे के रोड से सिर पर वार कर दिया। सर पर व चेहरे पर कई बार वार करने से खून से लथपथ पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और हत्यारे पति को रस्सी से बांधकर काठेकुंड थाना में सूचना दी। सूचना मिलते ही काठेकुंड थाना प्रभारी श्यामल कुमार मंडल के निर्देशानुसार अवर निरीक्षक अमन राज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हत्यारा शिवधन लोहार को गिरफ्तार कर शव को कब्जे में लिया। मृतिका के भाई गोपीकंदर प्रखंड अंतर्गत आरिचुआ निवासी अनिल लोहार के अपने जीजा के विरुद्ध काठीकुंड थाने में लिखित बयान पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं प्रशासन द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत शव को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।